इसको दबाते ही आपकी सनरूफ ओपन हो जाती है, फुल ओपन नहीं होती है। हाँ, ये आपका इनकेस अगर कोई हाथ रखा हुआ और सनरूफ आप ऑफ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आपको वापस ये जो बटन दिया गया, आप टैकोमीटर के ब्राइटनेस को अप या डाउन कर सकते हैं। अगर इसको फुल पे कर देंगे तो ये फुल होने लगेगा, इसकी ब्राइटनेस हाई हो जाएगी और नाइट के समय हल्की लाइट चाहिए होती है तो ऑटोमेटिक वो आपका लो हो जाएगा। आप स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट स्टीयरिंग और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दोनों ही मिल जाते हैं। चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस वायरलेस चार्जिंग को आप चाहे तो ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, चुटकी से भी बूट ओपन कर सकते हैं। इसका ये तीसरा पार्ट है, इसको 3 सेकंड तक होल्ड किए रहेंगे तो इसका बूट ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर फ्यूल टैंक में, और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ हुंडई की न्यू वर्ना। तो न्यू वर्ना में आपको टोटल 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, ई, एस प्लस, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल। ये जो वेरिएंट है एस एक्स ऑप्शनल है, जो कि टॉप वेरिएंट है। और न्यू वर्ना में आपको इंजन ऑप्शन की बात करें तो डीजल और पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो वेरिएंट है टॉप मॉडल के साथ साथ पेट्रोल वेरिएंट है और ये एक मैनुअल वेरिएंट है। इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल में ही सिर्फ मिलते हैं। बात करें इसके गाड़ी के कलर ऑप्शन की तो कलर ऑप्शन में आपको ब्लैक कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, ग्रे कलर, स्टेरी नाइट कलर और रेड कलर मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के लुक्स के ऊपर। तो इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक से न्यू वर्ना काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। फ्रंट लुक में जो इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो है इसका हेडलैम्प। इसका हेडलैम्प आप देखेंगे, इसके ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ये जो पार्ट है वो इसका DRL है। इसका हेडलैम्प 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3। ये तीनों पार्ट इसको बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इसका पहला और ये दूसरा पार्ट है ये इसका डीपर पार्ट है, और ये जो तीसरा पार्ट है ये इसका अपर है यानी हाई बीम है। इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प, हैलोजन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर और हैलोजन फॉग लैम्प मिल जाता है। और उसका ग्रिल देखेंगे तो कुछ आपको ये क्रोम फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, और जो थोड़ा डायमंड कट में दिया गया है और हुंडई के बीच में लोगो मिल जाता है। फ्रंट से ये लुक काफ़ी अच्छी देती है। इसका लोअर ग्रिल आपको कुछ इस तरह का मिल जाती है, नीचे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको इस टॉप मॉडल में नहीं मिलते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक। ऊपर के साइड देखेंगे विंडशील्ड की तरफ तो आपको डुअल वाइपर विथ वॉशर आ जाता है, तो फ्रंट लुक आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के साइड लुक की तरफ। तो साइड लुक की बात करें तो साइड लुक से भी न्यू वर्ना काफ़ी अच्छी लुक देती है और काफ़ी स्पोर्टी लुक भी देती है। आप इसका बी पिलर देख सकते हैं, मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है, और ये आपको पतली सी क्रोम की पट्टी दी गई है जो इसकी लुक को काफ़ी अच्छी लुक देती है। डोर हैंडल्स आपको टॉप वेरिएंट में क्रोम फिनिश के साथ मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाते हैं। इसके ORVM की बात करें तो ORVM आपके बॉडी कलर के साथ आता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। टायर साइज की बात करें टॉप वेरिएंट में आपको 16 इंच के डायमंड कट टायर मिल जाते हैं, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। चारों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाते हैं। तो ये रही इसकी साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो आइए चलते हैं। तो रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल से भी न्यू वर्ना काफ़ी अच्छी लुक देती है, और आप दूर से ही देख के बोल सकते हैं कि हुंडई की न्यू वर्ना है। पीछे से काफ़ी स्पोर्टी लुक भी देता है, और जो इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो है इसका टेल लैम्प, जो कि फुली आपको LED मिल जाता है। इसका टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब के साथ आता है, और रिवर्स पार्किंग लाइट भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ आता है। ऊपर के साइड देखेंगे तो आपको साफ फिन एंटीना मिल जाता है, और इसका रियर विंडशील्ड जो है इसमें डिफॉगर आपको मिल जाता है। बीच में आपको हुंडई की ब्रांडिंग, हुंडई का लोगो मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको SX का बैजिंग भी मिल जाता है। राइट साइड की तरफ देखेंगे तो राइट साइड में आपको वर्ना की भी बैजिंग मिल जाएगी। बूट ओपन करने के लिए आपको बीच में मैग्नेटिक बटन भी मिल जाता है, साथ ही साथ आप चाहे तो उसके रिमोट की से भी बूट ओपन कर सकते हैं। इसका ये तीसरा पार्ट है, इसको 3 सेकंड तक होल्ड किए रहेंगे तो इसका बूट ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस न्यू वर्ना में आपको 445 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, साथ ही साथ बूट लैम्प भी मिल जाता है। नीचे के साइड देखेंगे आप तो आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जो कि डायमंड कट नहीं आता है ना, ये आता है आपका स्टील में।
आपको टॉप मॉडल में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट आपका स्पेयर व्हील जो आता है वो 15 इंच का आता है। नीचे होंडा के लोगों के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। नीचे के साइड जस्ट देखेंगे तो आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है जो कि इसके पीछे से काफ़ी अच्छी लुक देती है, और उसके बीच में देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो ये रही गाड़ी की रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं गाड़ी की सबसे मेन प्रोफाइल की तरफ जो कि इसकी ड्राइवर साइड है। तो चलिए ड्राइवर साइड की तरफ चलते हैं। ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। हाँ, वो ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं, आपको नॉर्मल डोर हैंडल मिल जाते हैं। ड्राइवर डोर पैनल की तरफ ध्यान देंगे तो डोर पैनल आपको डुअल कलर में आ जाता है, ब्लैक कलर और पीच कलर में। ये जो पार्ट है वो लेदर का है, और ये भी पार्ट आपका लेदर का, सॉफ्ट लेदर का यहाँ यूज़ किया गया जो काफ़ी कंफर्टेबल है। ऊपर का पार्ट आपको हार्ड टच मिल जाता है। डोर हैंडल की बात करेंगे तो वो सिल्वर कलर का मिल जाता है, और इधर के साइड देखेंगे आप तो आपको ऑल फोर पावर विंडो बटन मिल जाते हैं, लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाते हैं, विंडो लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाते हैं, और ये जो पार्ट है ये ORVM के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, और यहाँ कुछ स्पेस छोटे मोटे चीज़ें रखने के लिए मिल जाते हैं। उसके जस्ट नीचे में देखेंगे तो आपको एक स्पीकर मिल जाता है। टोटल आपको चार स्पीकर मिल जाते हैं, साथ ही साथ दो ट्विटर भी मिल जाता है। ट्विटर की जगह आपको यहाँ पे मिल जाता है ड्राइवर साइड में, और को ड्राइवर साइड में ठीक इसका अपोजिट साइड में मिल जाता है। ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको मिल जाते हैं मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट एंड मैनुअल रिक्लाइनर। ड्राइवर को ड्राइवर हेडरेस्ट की बात करें तो वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात किया जाए तो सेफ्टी में आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि सिर्फ टॉप मॉडल में आपको मिलता है। होप सो 2023 की गाड़ियों में बेस मॉडल से ही शायद सुनने में आ रहा है कि हर गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, बट इसमें अभी आपको 6 एयरबैग प्रोवाइड कर दिया है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर लुक्स की तरफ। की बात करें तो आपको राउंड टॉप स्टेयरिंग मिल जाता है, बीच में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिल जाता है जहाँ आप अपना म्यूजिक कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, कॉल पिक कर सकते हैं या मोड चेंज कर सकते हैं। राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टैकोमीटर की बात करेंगे तो टैकोमीटर आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है। टैकोमीटर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर है, राइट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाता है, बीच में आपको MID स्क्रीन मिल जाता है। MID स्क्रीन काफ़ी इसमें हेल्पफुल है, कौन सी डोर ओपन है, जैसे इसमें लेफ्ट डोर ओपन है तो लेफ्ट डोर ओपन दिखा रहा है, ये तो हर गाड़ी में दिखाता है आज की। साथ ही साथ अगर आपको बूट भी ओपन है तो बूट ओपन भी इसमें इंडिकेट करता है, या बोनेट भी अगर आपको ओपन रह जाता है तो वो भी आपको इंडिकेट कर देता है। राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ मिल जाते हैं। ये जो बटन दिया गया, आप टैकोमीटर के ब्राइटनेस को अप या डाउन कर सकते हैं। अगर इसको फुल पे कर देंगे तो ये फुल होने लगेगा, इसकी ब्राइटनेस हाई हो जाएगी, और नाइट के समय हल्की लाइट चाहिए होती है तो ऑटोमेटिक वो आपका लो हो जाएगा। आप चाहे तो इसे और लो कर सकते हैं। और राइट साइड में जाएंगे तो आपके हेडलाइट के कंट्रोलर्स अप डाउन करने के लिए मिल जाते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, डुअल टोन में दे रहा है, ब्लैक कलर का है और पिच कलर का है। बीच में आपको एट इंच स्क्रीन मिल जाती है जो कि एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप चलती गाड़ी से भी चाहे तो आप अपने बैक कैमरा को ऑन कर सकते हैं, जो इसकी काफी अच्छा फीचर मुझे लगता है। इसके कंट्रोलर्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाते हैं, और बटन्स आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है। वॉल्यूम अप या डाउन काफी सॉफ्ट इसका बटन दिया गया है, रोल स्क्रॉल करने पे काफी प्रीमियम सा फील होता है। इसके AC के कंट्रोलर्स कुछ इस तरह के मिल जाते हैं और काफी अच्छे हैं, ये भी काफी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। नीचे की साइड देखेंगे तो आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा है, सब कुछ काफी प्रीमियम दिया गया है। ये हैजार्ड लाइट मिल जाता है आपको, ये भी काफी सॉफ्ट और टच सॉफ्ट है और काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। नीचे के साइड आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिल जाते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे करके ऑफ कर सकते हैं, या तीन नंबर होने के बाद भी अगर आप फुल चल रहा है और आप उसको डायरेक्टली ऑफ करना चाहते हैं तो कुछ देर होल्ड किए रहेंगे तो ये आपका ऑफ भी हो जाएगा। नीचे के साइड देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट वाले मिल जाते हैं, USB पोर्ट केबल मिल जाते हैं, बीच में आपको USB पोर्ट मिल जाता है, और आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस वायरलेस चार्जिंग को आप चाहे तो ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा छोटा है, आप नॉर्मली 6.2 इंच के वायरलेस मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल 6.7 इंच का है, बट ये इसमें फिट नहीं होता और इसका वायरलेस चार्जिंग यूज नहीं कर पाता। ऊपर के साइड देखेंगे तो आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और फ्रंट केबिन लाइट मिल जाती है। ये जो है ये आपको सनरूफ का पोर्शन दे दिया गया है, इसको दबाते ही आपकी सनरूफ ओपन हो जाती है, फुल ओपन नहीं होती है।
हाँ, ये आपका इनकेस अगर कोई हाथ रखा हुआ और सनरूफ आप ऑफ कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आपको वापस बैक कर दिया था। ये काफी अच्छी चीज है और सेफ्टी के लिए काफी अच्छी माना जाएगा मेरे तरफ से। मिरर की बात करें तो आपको टोइंग बटन मिल जाती है और ये ऑटोमेटिक आप इसकी लाइट्स डाउन हो जाएगी नाइट के टाइम, उसका पीछे से लाइट आएगी तो थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको कम फील होगा। और आपको सनवाइजर पे वैनिटी मिरर मिल जाता है बिना लाइट के, इसमें लाइट प्रोवाइड नहीं किया गया आपको। को ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। तो ये रही आपकी ड्राइवर साइड की तरफ। हाँ, स्टेयरिंग भी बात करें तो स्टेयरिंग आपको टिल्ट स्टेयरिंग और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग दोनों ही मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के को ड्राइवर साइड की तरफ। को ड्राइवर साइड देखें तो काफी कंफर्टेबल सीट है और स्पेस भी काफी अच्छी खासी है। ये वाली सीट और ड्राइवर साइड मैंने दोनों अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर दी है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको, इसमें किसी तरह का लाइट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 गियर बॉक्स मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ दो आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाते हैं या ग्लास होल्डर बोल सकते हैं। और आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। ये आपका हैंड ब्रेक कुछ इस तरह का मिल जाता है। एक चीज और, अब आपको एसएक्स ऑप्शनल में आपको ब्लू लिंक भी मिल जाता है। ब्लू लिंक का फायदा क्या है, आप अपने मोबाइल से ही कार को लगभग कुछ चीजें ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है, कितना दूर जा रही है, किस जगह पे है, वो चीज आप जान सकते हैं ब्लू लिंक के थ्रू। आप अपने मोबाइल के ऐप से ही देख सकते हैं, ये होंडा आपको प्रोवाइड करता है। और आपकी गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, आप अपने स्पीड को लॉक भी कर सकते हैं कि इससे ज्यादा आपकी गाड़ी की स्पीड ना चले। हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ब्लू लिंक से एक और प्लस फायदा आपको ये मिल जाता है कि आप अपने मोबाइल से ही चाहेंगे तो आप अपनी गाड़ी को इंजन ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे ये नॉन ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, तो आप अपने गाड़ी से ब्लू लिंक से ये कर सकते हैं कि आप जहाँ चाहे जहाँ भी आपकी गाड़ी रहेगी आप अपने मोबाइल से ऑपरेट करके अपनी गाड़ी को टोटली लॉक कर सकते हैं। तो ये है ब्लू लिंक का फायदा। अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, रियर पैसेंजर साइड की तरफ कि रियर पैसेंजर की कितनी स्पेस है। आइए चलिए देखते हैं। रियर पैसेंजर डोर पैनल भी देखेंगे तो आपको सेम पीच कलर और ब्लैक कलर में मिल जाता है। ये भी पार्ट आपको लेदर में दे दी गई है जो कि सॉफ्ट है, बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, आर्म्स रखने में आरामदायक रहती है। और बॉटल होल्डर भी मिल जाता है और स्पीकर मिल जाता है। आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग की है, मेरी हाइट 5'7" है और फिर भी देखेंगे तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग जर्नी में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। थाई सपोर्ट की भी बात करें तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है और आपको रियर पैसेंजर के लिए भी इस वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बीच में देखेंगे आप तो आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। ऊपर साइड देखेंगे तो आपको ये लाइट मिल जाती है, केबिन रियर केबिन लाइट मिल जाती है। और नीचे के साइड आपको ये रियर एसी वेंट भी मिल जाते हैं और नीचे के साइड आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो इसके हैंडल मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा है और ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। राइट साइड की तरफ भी केबल मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एक हुक भी मिल जाता है। तो ये रही ओवरऑल गाड़ी की लुक्स और मुझे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई है और काफ़ी लॉन्ग जर्नी में ये काफ़ी कंफर्टेबल कार लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। नीचे कोई कमेंट बॉक्स में आपको कुछ चीज़ें वरना से रिलेटेड पूछनी है तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।